ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर बड़ा खुलासा हुआ है। एएसआई की सर्वे में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। 839 पेज की रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई है। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि रिपोर्ट के अनुसार मंदिर को 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया और मस्जिद के नीचे मूर्तियां दबाई गई। एएसआई ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल के थे। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके इस्तेमाल करके ये तथा कथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। विष्णु शंकर जैन ने सर्वे के हवाले से कहा कि रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पहले बड़ा मंदिर था। एएसआई के मुताबिक एक पत्थर मिला है जिस पर फारसी में औरंगजेब का वो आदेश लिखा है जिसमें मंदिर को गिराने का आदेश है। ये पत्थर टूटा हुआ है जिस पर मस्जिद बनाने की तारीख लिखी थी, इसे मिटाया गया है। ये भी दावा किया गया है कि मस्जिद के लिए मंदिर के खम्भों का प्रयोग किया गया। तहखाने में हिंदू मंदिर के खम्भे मिले हैं, थोड़े बदलाव के साथ खम्भों का प्रयोग हुआ। सर्वे में चौड़ा कुआं दिखाई दिया है। परिसर में हिंदू मंदिर होने के कई प्रमाण मिले हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। चौखट पर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। स्वास्तिक और नाग देवता के निशान हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार को मंदिर का हिस्सा बताया गया। सर्वे में कमल पुष्प और घंटियों के निशान मिले हैं। सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एएसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1965-1966 में, और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता रहा हूँ। सर्वे के दौरान ये जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी, इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया। एएसआई रिपोर्ट के अनुसार पिलर और प्लास्टर जो कि अभी मस्जिद का हिस्सा है वो पुराने बड़े मंदिर का ही हिस्सा है। इसको थोड़े से बदलाव के बाद मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया गया है। पिलर के अंदर जो नक्काशी हिंदू मंदिर के लिए की गई थी उसे नुकसान पहुंचाया गया। एएसआई के मुताबिक जो 32 जगहों पर शिलालेख मिले हैं उस पर देवनागरी, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में लेख लिखे गए हैं। एक शिलालेख पर महामुक्ति मंडप लिखा है। भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं, वो है जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर। इसमें जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट के मिले। जनार्दना, रुद्र एंड उमेश्वरा आर फाउंड इन दीज इंस्क्रिप्शंस। ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरिड अंडर द डंप सॉइल। एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष का कहना है कि ये काशी की जीत है, अगला नंबर अब मथुरा का है। जिस प्रकार से अयोध्या हुई हमारी, हमने कहा था काशी और काशी के बाद फिर चलेंगे मथुरा। एक बार पुनः सनातन की सत्य की जीत हुई। एएसआई की रिपोर्ट मुस्लिम पक्ष को भी सौंपी गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट के पढ़ने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। मैं घर जाके पढ़ूंगा, कल इसके बारे में कोई बात होगी तो कहूंगा। तो अभी उनके सारे दावों पे क्या कहना, उसमें कोई कमेंट्स नहीं। एएसआई की रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों पक्ष 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वहीं हिंदू पक्ष ने वजू टैंक एरिया को भी खोले जाने की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वजू टैंक का में काफी मछलियां मर गई थी तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि उसकी साफ सफाई की जाए, उसकी क्लीनिंग की जाए। उस साफ सफाई के दौरान हमने कोर्ट में ये भी बात रखी थी कि यहाँ पे एएसआई जांच होनी चाहिए और एएसआई जांच पे जो स्टे लगा हुआ है उस स्टे को वेकेट करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमसे कहा है कि आप इसके लिए अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन उच्चतम न्यायालय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दीजिए, जो हम देने जा रहे हैं, और उसके बाद वहां पे भी एएसआई जांच होगी। एएसआई ने 84 दिनों में ज्ञानवापी परिसर में GPR, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी समेत सभी पहलुओं पर सर्वे किया था। एएसआई ने 36 दिन में इसकी रिपोर्ट तैयार की जिसमें GPR रिपोर्ट तैयार करने में 30 दिन लगे। 36 दिनों तक 3 हिस्सों में रिपोर्ट तैयार हुई। पहली कॉपी ऊपरी हिस्सों में दिखने वाली आकृतियों की है। दूसरी कॉपी में जमीन के अंदर की GPR सर्वे की डिटेल को शामिल किया गया है। तीसरी कॉपी में वीडियो फोटोग्राफी को स्थान के साथ मार्क किया गया है। अब मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कह रहा है, लेकिन एएसआई रिपोर्ट की सर्वे में ये बात तो साफ है कि हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हो गया है।
नीतीश पांडे और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीबीटी। Z News.